कटनी से रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है लोकायुक्त विभाग को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने डॉक्टर के निजी अस्पताल में धरपकड़ करते हुए डॉक्टर को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अस्पताल में धांधली की खबरें मानो इन दिनों आम बात हो गई हो। और ऐसा ही एक मामला कटनी जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां लोकायुक्त टीम ने जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पीडी सोनी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर डॉक्टर पीडी सोनी ने 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी सूचना लोकायुक्त विभाग को मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त विभाग ने डॉक्टर के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की और डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये किसी पे पहले आया था, मेरे को विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना था, तो दो बार आया हूँ, बहुत भीड़ थी सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं मिल पाई। तीसरी बार में डॉक्टर साहब के घर गया मैं और मेरा मित्र था, तो उनने 40,000 की मांग की थी 40% पे। दो बार और आया मैं, तो उनने कहा था कि 40,000 हो तो आना, अन्यथा नहीं आना। मैंने लोकायुक्त पे शिकायत कर दी, कायद मैंने की थी 27/1/2023। यदि है शंकरलाल कुशवाहा, ये अमगवा तहसील रीठी जिला कटनी के निवासी है। इनके पैर में विकलांगता है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र बनना था। विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला चिकित्सालय कटनी में पदस्थ है हड्डी रोग विशेषज्ञ श्री पीडी सोनी, इनसे मुलाकात की, तो इनके द्वारा 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 40,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने इन्हें 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।